नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमपी दिनभर, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची 39 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल हैं, जिसमें 5 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। बीजेपी ने उन 39 सीटों पर अपने योद्धा तय कर दिए हैं, जिस पर 2018 के चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। पहली लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों में भोपाल उत्तर सीट से आलोक शर्मा, भोपाल मध्य सीट से ध्रुव नारायण सिंह, सुमावली विधानसभा सीट से अंदल सिंह कंसाना और छतरपुर से ललिता यादव शामिल हैं। तो 39 सीटों पर जो है उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं बीजेपी द्वारा, और टिकट बंटवारे की रेस में बीजेपी जो है आगे निकल गई है। चुनाव की घोषणा से पहले ही लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की पहली लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी। तो 39 सीटों के लिए उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। बता दें आपको, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उम्मीदवारों को बधाई दी है, ट्वीट करके बधाई उनके द्वारा दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लिस्ट जो है, ये पहली लिस्ट जारी की गई है बीजेपी के द्वारा। 39 नाम की घोषणा इसमें की गई है, और इसी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बधाई दी है सभी उम्मीदवारों को। वही उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी और जेपी नड्डा की अगुवाई में हुई बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय हुए हैं। अब कार्यकर्ताओं को अभी से ही चुनाव मैदान में उतर जाना है। आने वाले 2023 के चुनाव में विजय का परचम तो फहराएंगे ही, विजय के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प कि 2023 के अंदर 2023 की विजय के साथ 2047 का माननीय प्रधानमंत्री जी का वो भारत जो दुनिया के अंदर सिरमौर बनकर के खड़ा होगा, इस संकल्प को पूरा करने में तो वही विधानसभा चुनाव के लिए टिकट घोषित होने पर उम्मीदवारों ने खुशी जताई और चुनाव में जीत का दावा भी किया। निश्चित रूप से इस बार पुराना भोपाल से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ताओं पे पुनः विश्वास व्यक्त किया है। मुझे पुराने भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। हम सभी कार्यकर्ता पुराने भोपाल की जनता के साथ में ये चुनाव को लड़ेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हम और हमारे कार्यकर्ता, हम डेली काम करते थे तो तैयारी तो हमारी पूरी है, अब प्लान करने की बात है। चूंकि पार्टी ने काम सौंप दिया है तो हम सब मिलकर इसको प्लान करेंगे। हमारे पास इनफ टाइम है तो हम इसको अच्छे से प्लान करके इसको अंजाम देंगे। 2018 में कांग्रेस सर इस सीट से जीती थी चुनाव। हाँ, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और उसी को तो सुधारना है इस बार। जैसा कि चुनाव समिति के हमारे पूरे मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय भूपेंद्र सिंह यादव जी ने और पूरी टीम ने मुझ पर जो भरोसा किया है, छतरपुर विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और मैं आश्वासन देना चाहूँगी, आपने जो विश्वास किया है, मेरे ऊपर भरोसा किया है, मैं खरी उतरूंगी और छतरपुर से मैं एक सेवक के रूप में छतरपुर विधानसभा का चुनाव जीत करके आऊंगी। छतरपुर की विधानसभा के हमारे मतदाता भाइयों पर, हमारे देवतुल्य हमारे कार्यकर्ताओं पर हमें पूरा भरोसा है। हर बार चुनाव में कांग्रेस ने एक वातावरण बनाया कि सरकार जा रही है, लेकिन 18 साल से जनता शिवराज जी पर भरोसा कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी श्रद्धा का नाम है। पार्टी ने जब जब जो जो जवाबदारी दिया है उसका निर्वहन मैंने समय समय पे किया है। अब कुछ होता है, ऐसा रहता है कि समय जब बहुत संघर्ष का हो जाता है और कुछ नहीं मिलता है तो फिर
एक दिशा बदल गई थी, लेकिन फिर कहा जाता है, कहावत है कि जो रात का भूला हुआ है अगर सुबह वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं। मतलब सीधे तौर पे भी आपकी घर वापसी हुई है? जी, घर वापसी। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर जो विश्वास जताया है, हम यहाँ के सभी हजारों हजार कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के, सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके, और यहाँ के वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद से, यहाँ के नौजवानों के परिश्रम से, और जो है यहाँ की माता बहनों के आशीर्वाद से इस कसरावत में कमल खिलाएंगे। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें इंदौर के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर को देवास जिले की सोनकट से उम्मीदवार बनाया गया, तो वहीं मधु वर्मा को राऊ से प्रत्याशी बनाया गया। राजेश सोनकर वर्तमान में बीजेपी के इंदौर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हैं। वे 2013 में सांवेर से विधायक बने थे, लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस के तुलसी सिलावट से हार गए थे। 100% मजबूती के साथ लड़ेंगे और चुनाव जीत कर आएंगे। निश्चित रूप से जिस प्रकार से पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जन कल्याण के लिए जो काम हुए हैं, गरीब कल्याण के जो काम हुए हैं, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने जिस प्रकार से हर समाज, हर वर्ग का, हर क्षेत्र का विकास किया है, निश्चित ही प्रदेश की जनता का और सोनकच्छ की जनता का भी विशेष रूप से बहुत 5 साल से उपेक्षित थी। इतना अच्छा सर प्रदेश का नेतृत्व होने के बाद भी सिर्फ वहाँ के विधायक की उदासीनता के कारण वहाँ के विकास कार्यों का लाभ उनको नहीं। एमपी में बीजेपी ने अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गोहद से पूर्व विधायक और मंत्री रहे लाल सिंह आर्य का टिकट फाइनल कर दिया है। टिकट घोषित होते ही जिले भर के कार्यकर्ता उत्साहित दिखे। टिकट की घोषणा होने के बाद लाल सिंह आर्य भी खासा उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि गोहद विधानसभा में ऐसे कई कार्य अपेक्षित हैं जो अब पूरे कराए जाएंगे। आगामी चुनाव 2023 को लेकर जो 39 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है, उसमें भिंड जिले की गोहद विधानसभा से एक टिकट फाइनल हुआ है, जो कि जो चेहरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में और जिले और प्रदेश में कोई किसी के परिचित का मोहताज नहीं है। इस समय हमारे साथ अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक गोहद लाल सिंह आरजी हैं। हम जानना चाहेंगे किस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट में ही आपका नाम तय किया है, क्या पैमाने? ये मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने 39 उम्मीदवारों की मतभेद सूची जारी की है, उसमें मुझे भी अवसर दिया है जी। मैं उनके विश्वास पर खरा उतरा हूँ। उनके इस विश्वास पर गोहद विधानसभा जीत कर उनको हम देंगे, ये मैंने उनके प्रति विश्वास व्यक्त करता हूं। और लाल सिंह आरजी जो जिनका अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट फाइनल किया गया है, और टिकट फाइनल होने के बाद कार्यकर्ताओं में भी इस समय काफी उत्साह देखा जा रहा है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी समर्थक नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सैंबल पर सभी लोग चुनाव लड़ेंगे और सारे कार्यकर्ता प्राण पर से जुटने का प्रयास करेंगे। भिंड से न्यूज 18 के लिए रवि रमन त्रिपाठी। केंद्रीय कृषि मंत्री और बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर पहुंचे, जहां बीजेपी की पहली सूची पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आगे ही है। भारतीय जनता पार्टी तो आगे है ही, चयन की प्रक्रिया में आगे है, संगठनात्मक कार्यक्रमों में आगे है, विधानसभा सम्मेलनों में आगे है, सोशल मीडिया में आगे है और जनता के समर्थन में आगे है। मेरे टिकट के मामले में हमेशा चयन की एक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रत्याशियों का चयन किया है, सभी पक्षों को ध्यान में रखकर किया है। जिनको चयन हुआ है उन सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बीजेपी की 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने पर दिग्विजय सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अधिकार है उम्मीदवार घोषित करने का और सितंबर तक कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने से कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। 40 सीटों पर तो लीड बीजेपी ने ले ली, तो उनको अधिकार उनको दे दी, उन्होंने टिकट दे दी, हम भी टिकट दे देंगे। तो सर 6 जो कांग्रेस के कब्जे वाली सीटें थी उन पर सबसे पहले उम्मीदवार घोषित किए, आपको लगता है कि ठीक है, इसमें क्या फर्क पड़ता है सर? लेकिन जिन 66 सीटों पर आप घूमे थे वहां पर क्या लगता है कब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा? अभी सितंबर के अंदर हो जाना चाहिए सर। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला जी को अहम जिम्मेदारी दी गई है, मध्य प्रदेश का प्रभारी जी, इसका लगता है आपको कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके से फायदा मिलेगा? निश्चित मिलेगा।
भोपाल की बात करेंगे, एमपी एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है। सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट कर रिलीज किया है। मध्य प्रदेश की खुशबू बिखेरता एंथम ने सॉन्ग जारी किया, जमकर वायरल हो रहा है मध्य प्रदेश का एंथम सॉन्ग। मंत्री, विधायकों, जनप्रतिनिधियों ने भी पोस्ट किया है एंथम। और बड़ी खबर सतना से है, जहां रामनगर के अरगट गेहूं खरीदी केंद्र में बड़े घोटाले का मामला सामने आया। खरीदी केंद्र में फर्जी तरीके से किसानों से करीब 2700 क्विंटल गेहूं खरीदने और 56 लाख रुपए के भुगतान का सनसनीखेज ये घोटाला है। एफसीआई इंस्पेक्टर ने रामनगर थाने में स्वसहायता समूह और कंप्यूटर ऑपरेटरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इंदौर में हैरत अंगेज हवाई रेस्टोरेंट टर्मिनल 10 घोटाले का खुलासा हुआ। दरअसल यहां पर एमआर 10 पर संजना हाउसिंग सोसाइटी ने करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन सारे नियमों को ताक पर रखकर किराए पर दी, जबकि यहां संस्था के सदस्यों के आवासीय प्लॉट हैं, इन पर मकान बनने थे, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी ने जमीन किराए पर दे दी और अवैध रूप से लाखों रुपए किराया वसूलते रहे। बात भोपाल की, जहां अक्सर अपनी बदइंतजामी के लिए सुर्खियों में रहने वाले शाहजहांपुर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। कायाकल्प अभियान के तहत पीयर असेसमेंट के लिए पहुंची टीम ने मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। टीम के दौरे को देखते हुए अस्पताल में अधिकारी और कर्मचारी मुस्तैद दिखे। अस्पताल में बेहतर व्यवस्थाएं दिखाने की कोशिश की गई, रंगाई पुताई का काम भी होता दिखा, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा, क्योंकि डॉक्टर गोपाल कटारे ने कहा कि अस्पताल में और भी साफ सफाई की आवश्यकता है। इंदौर की बात करते हैं, जहां ज्वेलर्स की दुकान में चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सोने की अंगूठी से भरा बॉक्स चुराने के मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों में एक नाबालिग भी मौजूद है। बता दें कि चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। नागपुर के बीजेपी नेता सना खान की मर्डर मिस्ट्री उलझती ही जा रही है। दरअसल अज्ञात युवती के शव की शिनाख्त के लिए हरदा पहुंचे सना खान के भाई के इनकार के बाद अब नागपुर पुलिस ने एसपी हरदा से मुलाकात की और डीएनए टेस्ट के लिए मांग की है। कोर्ट से डीएनए टेस्ट का ऑर्डर लेकर नागपुर पुलिस जिला अस्पताल आई, शव के नमूने लिए और नागपुर में सना के परिजनों के सैंपल लेकर डीएनए जांच के लिए भेज दिए जाएंगे। धार की बात करते हैं, जहां पर 250 करोड़ के सैंड टेरेसा जमीन घोटाले में ईडी की कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। ईडी की कई टीमों ने सैंड टेरेसा जमीन घोटाले से जुड़े मुख्य आरोपी सुधीर जैन, सुधीर दास सहित अन्य आरोपियों के ठिकानों पर छापे मारे हैं। सैंड टेरेसा ट्रस्ट को दान में मिली जमीन को ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर फर्जी तरीके से बेच भी दिया था। और अब बात सीधी की, जहां सांसद रीति पाठक ने स्पष्ट कर दिया है कि ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना में भू स्वामियों को अब नौकरी नहीं मिलेगी। दरअसल 15 अगस्त को एक कार्यक्रम में कुछ युवकों ने सांसद मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, जिसके बाद सांसद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया। उधर नारे लगाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसे सांसद के हस्तक्षेप के बाद छोड़ दिया गया। तो सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्पष्टीकरण इस पूरे मामले में दिया। बता दें कुछ युवकों ने सांसद का विरोध किया था, पुलिस ने युवक को गिरफ्तार भी किया था। यह भी बता दें आपको कि सांसद के हस्तक्षेप के बाद युवक को रिहा कर दिया गया। न्यूज 18 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी। सांसद रीति पाठक का बड़ा बयान आया है, रेल परियोजनाओं में अब नौकरी नहीं। सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका स्पष्टीकरण दिया है। कुछ युवकों ने सांसद का विरोध भी किया था, पुलिस ने युवक को गिरफ्तार भी किया था, जो सांसद के हस्तक्षेप के बाद युवक को रिहा कर दिया गया।
सीधी जिले के कमरजी थाने क्षेत्र में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां स्वतंत्रता दिवस के दिन दो मुस्लिम युवकों ने जंगल में ले जाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान पास में ही नहर बनाने का काम कर रहे दो कर्मचारियों नाबालिग की गुहार सुनकर दुष्कर्मियों को पकड़कर परिजनों के हवाले कर दिया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। खंडवा के एक बैंक में सेंधमारी हो गई है। अच्छी बात यह रही कि चोर अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए। मामला खंडवा के सिविल लाइन क्षेत्र में बैंक ऑफ इंडिया शाखा का है। मामला का खुलासा तब हुआ जब पहला बैंककर्मी शाखा में पहुंचा तो बैंक के पीछे की दीवार में बड़ा सा छेद दिखा। तुरंत ही उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया। बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे रहा है। बैंक अधिकारियों ने पुलिस को बताया कि फिलहाल बैंक से किसी भी तरह की नकदी या अन्य सामान की चोरी नहीं हुई है। उज्जैन की बात करते हैं, जहां गदर सिंह के बेटे ने पूरे गांव को धूमधाम से गदर 2 फिल्म दिखाई। दरअसल घटिया तहसील के बकानिया के लक्ष्मी नारायण उर्फ अपने गांव में सनी देओल की गदर फिल्म के पहले पार्ट के तारा सिंह के गेटअप में रहने वाले थे। ग्रामीणों ने गदर 2 के नाम से जानने लगे। लक्ष्मी नारायण को फिल्म गदर 2 के रिलीज होने का लंबे वक्त से इंतजार था, लेकिन वो इस बीच नहीं रहे तो लक्ष्मी नारायण की याद में उनके बेटे धर्मेंद्र और बेटी पूजा जाट ने गदर 2 फिल्म रिलीज होते ही पूरा थिएटर परिवार और ग्रामीणों के लिए बुक करवाया और ग्रामीणों को फिल्म धूमधाम से दिखाने के लिए पहुंचे। और जाते जाते आपको एक तस्वीर दिखाते जाते हैं, बताते हैं आपको कि लोग गधे पर बैठना अपनी तौहीन समझते हैं और जब बात गधे पर बैठकर शहर में जुलूस निकालने की हो तो अपराधी भी किसी भी कीमत पर इस फजीहत से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का अलग ही अंदाज देखने को मिला है, देखिए। लोग गधे पर बैठना अपनी तौहीन समझते हैं और जब बात गधे पर बैठकर शहर में जुलूस निकालने की हो तो अपराधी भी किसी भी कीमत पर इस फजीहत से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने जिले की जनता से अपील की है कि जनता इकट्ठी होकर उन्हें गधे पर बिठाए, फिर पूरे शहर में जुलूस निकाले और आखिर में शमशान में पूजा पाठ कराए। ये बात आपको सुनने में मजाक लग रही होगी लेकिन हकीकत है। अब आप सोच रहे होंगे कि विधायक ने भला ऐसा क्यों कहा होगा, तो उसके पीछे की वजह ये है कि विधायक का मानना है कि क्षेत्र के मुखिया को गधे पर बैठाकर घुमाया जाए और आखिर में शमशान में पूजा पाठ की जाए तो तत्काल बारिश होती है। ये एक टोटका है जिसे विधायक जी ने सोशल मीडिया पर वायरल खबरों में देखा था और तभी उन्होंने ठाना कि यहाँ भी इस टोटके को किया जाए। वो इस क्षेत्र के मुखिया है इसलिए जनता इकट्ठे होकर उन्हें गधे पर बैठाए और जुलूस निकाले। ये श्योपुर में सूखा घोषित कर देना चाहिए। यहाँ बिल्कुल न लाइट मिल रही है और किसानों ने अपनी फसलों को भी हाँक दिया है तो यहाँ अकाल पड़ गया, बरसात बिल्कुल नहीं है। ये एक मैंने वीडियो देखा तो एक टोटका है, इंदौर का है, जो मुखिया को गधा पे बैठान के जुलूस निकाला और मरकट पे जाके पाठ पूजा किया। तो जैसे ही पाठ पूजा से फ्री हुए और माँ उज्जैन में बरसात चालू हुई तो मैं जनता ने जब मुझे मुखिया बनाया और जनता पे ऐसा संकट है टोटकियाओं को, मैं भी गधा पे के जुलूस निकालने में तैयार हूँ अगर क्षेत्र के सभी लोग इसमें सम्मिलित हो और सीफ नदी पे इसकी पूजा हो और ये टोट क्या है अगर जनता के लिए बरसात आती है तो मुझे भी बड़ी खुशी है कि मैं गधा पे बैठ के जुलूस काटने में तैयार हूँ।
दरअसल जिले में बारिश न होने से धान की फसल के लिए किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा, बिजली भी कम मिल पा रही है और इसे लेकर विधायक ने जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग सरकार से की है। साथ ही साथ विधायक ने ये टोटका करने की अपील भी जनता से की है। उनका कहना है कि उज्जैन में लोगों ने पंचायत के मुखिया सरपंच को गधे पर बैठा कर घुमाया और शमशान में पूजा कराई तो तत्काल बारिश हो गई। प्रदेश में शायद ही ऐसा कोई विधायक होगा जो खुद को गधे पर बैठा कर जुलूस निकालने की बात करे। ये वाकई में हास्यास्पद भी है, लेकिन चूंकि चुनाव भी है इसीलिए विधायक कुछ भी करने को तैयार हैं। दीपक दंडोतिया, न्यूज 18, श्योपुर।